आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन गैस कंटेन्स एन एटम्स ऑल इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब तीसरे एक्साइटेड स्टेट में उसके सारे एन एटम्स पड़े हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ऑन डी एक्साइटेशन ऑल पॉजिटिव डिफरेंट एनर्जी फोटोन्स आर एमिटेड। तो इसका मतलब है, मान लीजिए ये एक्साइटेड स्टेट है, वो है थ्री। अब थ्री के जस्ट नीचे होगा एक्साइटेड स्टेट टू, और उसके जस्ट नीचे होगा एक्साइटेड स्टेट इक्वल्स टू वन, ग्राउंड स्टेट। अब मुझे ये पूछा है कि यहाँ एन एटम्स पड़े हैं, है ना, और एन एटम्स अपन नीचे आ रहे हैं, तो अपन को एन की वैल्यू बतानी है कि मेरे को सारे डी एक्साइटेशन पे वैल्यू मिल जाए। मतलब मान लीजिए तीन से जो अब मैं जो नंबर लूंगा वो एक्साइटेड स्टेट का नंबर होगा, तीन से डायरेक्ट वन पे गिरा, है ना। एक हो सकता है तीन से दो पे गिरा, और दो से एक पे गिरा, है ना, और एक हो सकता है तीन से डायरेक्ट दो पे गिरा, है ना, और दो से एक पे नहीं गिरा। मतलब ये तो ये अपन को एनर्जी मिलेगी, ये मिलेगी, और तीन से एक की मिलेगी और तीन से दो की मिलेगी। यानी जो एनर्जी होगी वो एक तो तीन से एक पे जाएगी, एक तीन से दो, और फिर तीन से दो से एक, मतलब ये अपने आप में एक पूरा प्रोसेस होगा। और एक एनर्जी होगी वो तीन से दो में जाएगी, यानी जो अपनी टोटल एनर्जीज है वो कितनी है, फोर। यानी अपन को कितने एटम चाहिए होंगे, फोर एटम्स। सो एन इज इक्वल टू फोर, मतलब अगर एन अगर फोर होगा तो अपन को सारे डी एक्साइटेशन लेवल मिल जाएंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ई टू और ई फोर में अंतर क्या है। ई टू ई फोर में ये अंतर है कि जब तीन से दो जा रहा है तो वो इतनी एनर्जी कैरीड है कि वो रिलीज करके ई वन में भी आ जाए, तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें होगी। ई टू प्लस कुछ कॉन्स्टेंट अमाउंट की एनर्जी होगी इसमें, मतलब ये कुछ कॉन्स्टेंट मिलाऊंगा जब मैं ई फोर में मिलेगा मेरे पास। यानी जब ई टू में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 20 जूल की एनर्जी है, है ना, और यहाँ पे मान लीजिए 10 जूल की एनर्जी, तो 20 से 10 गया, फिर 10 से ये जीरो पे आ गया, है ना, और ये 10 से डायरेक्ट यहाँ पे ही जीरो पे आ गया, है ना, और ये कुछ डायरेक्ट, मतलब इसके मान लीजिए इसके पास 20 एनर्जी थी, 30 से ये दूसरे पहले पे नहीं गया, डायरेक्ट इतनी एनर्जी रूज कर दी कि इसने यहाँ पे आ गया, ये जीरो पे आ गया। मतलब एक एनर्जी ये हो गई, एक एनर्जी ये, एक एनर्जी है, एक एनर्जी है, मतलब टोटल फोर एनर्जी, फोर एटम्स, तो एन इक्वल टू फोर, मतलब चार एटम अपन को टोटल चाहिए होंगे। एनर्जी स्टेट तीन ही होंगे, तीन से एक, तीन से दो, दो से एक, और तीन से दो, है ना, लेकिन पर एन इक्वल टू फोर आंसर अपना होगा। थैंक यू गाइज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।